हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम न्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो में हम स्पर्माटोजेनेसिस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा है स्पर्माटोजेनेसिस इन डिटेल्स। इन डिटेल्स में मतलब कि मैं इस वीडियो में डिटेल्स में आपको समझाऊँगा और ये वर्नाकुलर हिंदी में रहेगा। तो अब बेसिकली स्पर्माटोजेनेसिस से देखिए, इसमें लिख दिया आ गया टर्म स्पर्म प्लस जेनेसिस, यही ना कि स्पर्म्स का जेनेसिस जब होता है उसे स्पर्माटोजेनेसिस। तो चलिए अब हम इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या दिया गया है। जनरली डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप अगर इस वीडियो को आप 30 सेकंड भी देख चुके हैं, 43 सेकंड्स हो चुके हैं, तो आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप ये पूरा वीडियो देखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। तो इस एक डेफिनेशन के अंदर आपका सब चीज़ क्लियर हो गया है। डेफिनेशन ऐसा ही होना चाहिए कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इसमें इस प्रोसेस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लोकेशन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब मैंने नीचे एक और पॉइंट लिखा है, कब प्रोड्यूस होता है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। और जब फीमेल का अगर ओजेनेसिस मैं पढ़ाऊँगा तो वो कब स्टार्ट होता है, वो जब फीमेल फीटस में रहती है तभी स्टार्ट हो चुका होता है। तो इसमें एक डिफरेंस आ गया स्पर्माटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बीच कि स्पर्माटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। नाउ अब इसका फंक्शन, ये क्या चीज़ है, मेन फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है मेल में तो, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन यही है। अब चलिए हम स्पर्माटो, ये लिखा है मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले इनकी नंबर 750 नंबर होती है। अब देखिए टेस्टिस का मैं एक डायग्राम, अगर मैं एक स्कीमेटिक समझाऊं इसमें, और अगर यहाँ पे अगर वो डायग्राम आ जाए तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये कहाँ गया, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 750 नंबर, ये कंटिन्यू होंगी। अगर डायग्राम आ चुका है आपके कहीं ऊपर स्क्रीन पर तो आप ज़रूर देख पाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटिन्यू होगा, ये आपका बना देगा ट्यूब्यूल रेक्टी, बनाएगी ट्यूबुली रेक्टी बन गई। अब उसके बाद बनेगा रेटी टेस्टिस, देख रहे हैं अगर आपके डायग्राम आ गया तो दिख रहा होगा रेटी टेस्टिस बन गया है। फिर आ जाएगा वास इफरेंस बनता है, वास इफरेंस बन गया है, वास इफरेंस, फिर धीरे धीरे वास इफरेंस के बाद आपका बन जाएगा, ये वास इफरेंस कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद एपिडिडिमिस आता है, एपिडिडिमिस बनने के बाद वास डिफरेंस बनेगा। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको टेस्टिस की एनाटॉमी समझने में, प्लस अगर आपको स्पर्माटोजेनेसिस और डिटेल में समझने में। तो मैं आशा करता हूँ आपको स्पर्माटोजेनेसिस में आपको डेफिनेशन और प्लस से रिलेटेड चीज़ क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे स्पर्माटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस की। तो स्पर्माटोजेनेसिस में क्या क्या स्टेज आते हैं मैं उनको आज समझाने जा रहा हूँ। तो जनरली अब देखिए स्टार्ट करते हैं स्पर्माटोगोनिया से। स्पर्माटोगोनिया, जैसे कि अब हम सेल्स को पढ़ते हैं ना, तो जो प्राइमरी एकदम जो जर्म सेल है ये स्पर्माटोगोनिया है, ठीक है। स्पर्माटोगोनिया कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 750 नंबर था ना, इतना पता है। स्पर्माटोगोनिया का अब दो काम होता है, इसमें दो टाइप के सेल होंगे, एक होता है सेल रिन्यूअल हो जाएगा और सारे स्पर्माटोगोनिया बनाने के लिए वापस से, और स्पर्माटोगोनिया से स्पर्माटोगोनिया टाइप ए बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्माटोगोनिया टाइप ए, स्पर्माटोगोनिया टाइप ए। अब नंबर वन प्रोसेस स्पर्माटोजेनेसिस का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये नंबर वन माइटोसिस हो रहा है। स्पर्माटोगोनिया रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कर रहा है सब, माइटोसिस करते करते, देखिए अगर आपको इधर दिख रहा होगा तो अच्छा बात है, स्पर्माटोगोनिया टाइप बी बनाया है, मतलब ये भी 2N था, ये इधर 2N बनाया है स्पर्माटोगोनिया टाइप बी। स्पर्माटोगोनिया टाइप बी बनने के बाद यहाँ देखिए आप क्या बन गया, इधर स्पर्माटोगोनिया टाइप बी बना, माइटोसिस कंप्लीट हुआ है नंबर वन, ठीक है। अब वहाँ से वापस माइटोसिस से ही बना ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, देख पा रहे हैं आप, देखिए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट तक आते आते ये माइटोसिस हुआ है, इसीलिए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में भी क्रोमोसोम का नंबर 2N है, यहाँ भी 2N और स्पर्माटोगोनिया में भी 2N था, ठीक है। तो इधर 2N आ गया, अब मियोसिस आता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, ये नंबर
सेकेंड फेज आया, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में 2n क्रोमोसोम था, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट में n सिर्फ बचा है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट में n है। वहीं फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन हुआ। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन देखिए, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जनरली माइटोसिस जैसा ही होता है। तो इसके बाद बन गए स्पर्माटिड्स। स्पर्माटिड्स नॉन मोटाइल है, देखिए स्पर्माटिड्स नॉन मोटाइल है, इसके कारण ये मूव नहीं कर पाते। फिर अब बनेगा स्पर्माटोजोआ, जिसका भी क्रोमोसोम नंबर एन है। देखिए ध्यान से अगर दिख रहा हो तो, अब यहाँ से ये जो कन्वर्जन हुआ है ना, स्पर्माटिड से स्पर्माटोजोआ बना है, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे इसे? स्पर्मिएशन या फिर स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। टेल फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। होप आपको ये क्लियर हो गया हो, स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक बार अगर हम रिकैप करें स्टार्टिंग से, तो फिर क्या क्या प्रोसेस था अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको, देखिए स्पर्माटोगोनिया, स्पर्माटोगोनिया से स्पर्माटोगोनिया टाइप ए बना, ये भी 2n है, ये भी 2n है। हाँ, माइटोसिस हुआ पहला, माइटोसिस तक मेरा बना स्पर्माटोगोनिया टाइप बी, और फिर ये आया प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। ये माइटोसिस के रिजल्ट से ही बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बना, उसका क्रोमोसोम नंबर एन था। फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होकर स्पर्माटिड्स बने, और स्पर्माटिड से स्पर्माटोजोआ जब बना वो स्पर्मियोजेनेसिस की मदद से बना। तो ये स्टेज ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस क्लियर हो गया। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि मेल में स्पर्माटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू होता है, और ये बिगिंस होता है प्यूबर्टी में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही सब आएंगे कि प्राइमरी स्पर्माटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, वहीं सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर n होता है, ठीक है। इसके प्रोसेस क्लियर हो गए। और स्पर्मियोजेनेसिस होता है टेल फॉर्मेशन, मतलब मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कभी करेंगे तो हम स्पर्म का मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, और पढ़ेंगे। अगर वीडियो समझ आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।